शनिवार की सुबह वार्ड नंबर 14-15 ब्लॉक मैगजीन भाटा में रहने वाले लोग काफी आक्रोशित हैं। उनके आक्रोश की वजह कुछ और नहीं बल्कि क्षेत्र का कचरा डंपिंग यार्ड है, जिससे उठने वाली दुर्गंध से लोग काफी परेशान हैं। आक्रोशित लोगों ने डंपिंग यार्ड में तालाबंदी कर दी है और महापौर को जमकर घरी खोटी सुनाई। हालांकि महापौर ने लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कर देने का भरोसा जताया है। नगर निगम कोरबा के वार्ड नंबर 14 पंप हाउस मैगजीन भाटा के लोग क्षेत्र में मौजूद कचरा डंपिंग यार्ड से काफी परेशान हैं। कचरे के ढेर से उठने वाली बदबू के कारण उनका जीना मुहाल हो गया है। काफी कोशिशों के बाद भी जब डंपिंग यार्ड को नहीं हटाया गया तो आक्रोशित लोगों ने यार्ड में ताला लगाते हुए वार्ड पार्षद और महापौर राजकिशोर प्रसाद को बुलाया और उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। लोगों का आरोप है कि डंपिंग यार्ड के स्थान पर कांजी हाउस सह गौठान बनना था, लेकिन निगम अधिकारियों ने मनमानी कर उन्हें बीमार करने के लिए कचरा डंपिंग यार्ड खोल दिया। चेक कर आए कि क्या बना थे, तो बोले कि कांजी हाउस गौशाला बना थे, है ना? तो मैं बोली कि चलो गौशाला बना थे तो अच्छी बात है, गौ मन के सेवा हो ही। बाद में देखा देखा जैसे ये कांजी हाउस कचरा वाला बन गए, अब पब्लिक जैसे हमेशा बीमार पड़े थे, करुणा ने कहे थे ना, करुणा नहीं यही करुणा है, गंदगी है ना यहाँ का, है पब्लिक यही में बीमार पड़ा थे। इसको गौशाले गोठान के नाम से उद्घाटन किया गया था, भूमि पूजन किया गया था, उसके बाद से इसको कचरा गोदाम बना दिया गया। कचरा गोदाम जब से बना है हमारे बस्ती में आए दिन लोग बीमार पड़ते हैं, बच्चे उल्टी करने लगते हैं, उल्टी दस्त की बीमारी। ये बदबू की वजह से हमारे बस्ती के पूरे चारों तरफ की बीच में है, ये चारों तरफ के हमारे बच्चे लोग पूरी बीमार पड़ रहे हैं, मलेरिया उल्टी दस्त, यहाँ यही सब समस्या। हम लोग का बस एक ही मांग है, इस कचरे गोदाम को कहीं किनारे लेकर के जाए। लोगों की समस्याओं को सुनते हुए महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कचरे का डिस्पोजल जल्द से जल्द कराने का भरोसा जताया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस स्थान पर कचरा नहीं फेंका जाएगा, वहीं इस स्थान पर गौठान और कांजी हाउस का निर्माण भी जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। तो सबने ये अभी डिसाइड किया कि सबसे पहले जो यहाँ ये सूखा कचरा जो यहाँ जमा है इसको यहाँ से डिस्पोज किया जाए, किसी और अन्यत्र जगह पे इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। उसका इन्होंने अभी प्रॉमिस किया है कि कल से शुरू हो जाएगा कचरा के यहाँ से डिस्पोजल और आगे यहाँ फिर कचरा आएगा नहीं। महापौर के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए और अपने अपने घर को लौट गए। इसके बाद भी मौके पर कचरा फेंका जाता है तो लोगों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए रामेश्वर साहू के साथ अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।